हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 जुलाई। मैंने बालों पे कलर लगा के रखा हुआ है तो मैं अभी कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि आज डुगू का बर्थडे है। और ये तो डुगू का आज बर्थडे है और सुबह से हम लोगों की तैयारी चालू हो गई है। तो अभी फिलहाल ना जो भी काम है वो जल्दी जल्दी दिखाऊंगी। तो डुगू को सबसे पहले तो कुछ खिलौने दे रहे हैं खेलने के लिए, और डुगू अभी नंगा घूम रहा है क्योंकि अभी ये नहाई नहाई करेगा, और उसके बाद फिर अपने अभी अपने बेबी को दूध पिला रहा था। डुगू अपने डुगू को लेके आओ, डुगू लेके आ जाओ, डुगू की बोतल का है, दूध पिला दो डुगू को। डुगू दूध का है वो, उसने बोतल गिरा के रखी नीचे, लो दूध पिला दो। डुगू पिला रहा था ये उसको, डायपर पिला रहा उसको। अच्छा अब डायपर पर डुगू तुम्हें ही लगता है, वो डायपर के अंदर दो डुगू आ जाएंगे ऐसे छोटे छोटे। तो अभी खेल चालू है। तो ना हम लोग डुगू का ये है बर्थडे आउटफिट, अब मैं आपको फाइनली दिखा रही हूँ। ये डुगू का बर्थडे आउटफिट है, ये 3 ईयर्स का लिया था हम लोगों ने, क्योंकि इसको 2 ईयर वाला आ नहीं रहा था। बट 3 ईयर वाले में जो पेंट है वो छोटी है, मतलब बड़ी पड़ गई है, सॉरी। तो ना ये 3 पीस सूट है, तो इसमें ना जो पेंट है हमें वो कटवानी। ऑल दो ये इसका चौड़ा भी लग रहा है, पर यार कुछ नहीं कर सकते ना अभी, क्योंकि अगर ये पतला करा है। अरे देखो यार, पूरा मेजरमेंट डुगू को ही लेके जाना पड़ेगा अगर इसका पूरा मेजरमेंट कराना है। देखो 45, अच्छा 45 सेंटीमीटर की पेंट कटवानी है। तो अभी राजा जाएंगे, देखो देखो एक बार इसको फिर से नाप लो। ये देखो पेस्ट करके से पूरे मुंह पे लगा के रखा है, इतनी कटेगी। अब उसे मैं बताऊंगा कि इसको ऐसे 45 आ रहा है, तुम बताओ कैसे करना है। 3 पीस है ये वाला, इसको बाद में पहना लेंगे कभी, इसमें ना अच्छा सा शॉट है। और उसके बाद ना फिर ना मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, क्योंकि ये खेलना चाहता है। डुगू के लिए मैं ये बड़ा वाला लेके आई, डुगू लो। तो इससे ये खेलेगा, एक मैं इसके लिए ये लेके आई हूँ। तो अभी डुगू के गिफ्ट्स जो है उसकी भरमार करेंगे हम धीरे धीरे। तो ये तो इसका एक गिफ्ट लेके आया। पहले रिंग्स जो थी ना, ये पहले वाली रिंग्स 4-5 थी, इस बार हम बड़ा लेके आए ताकि अपना थोड़ा सा गेम भी खेले। खोल के दे दो राजा इसको। और ये मैं ये जो है ये है बिल्डअप ड्रम्स, इसको क्योंकि बर्तनों से खेलता है ग्लास से, तो मेरे को लगा कि ये लगाने में से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक ये तो चलिए, और ये अभी से लगाना शुरू कर दिया। नहीं डुगू, पहले वो ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला, ऑरेंज 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 आएगा, ये ऑरेंज आएगा, अब ये लगाओ। देखो कि नए कपड़े डुगू तो बन गए जेंटलमैन। देखो कि सैंडल लेते हैं, देखो हाय राम एक फिर मिला मुझे। इसके नीचे एक बार डाल के देखना, अपना कल लगाई थी ना, कल हमने ना अंदर से लगाई थी झाड़ू। हाँ हाँ, अंदर ना वो देखो, नहीं नहीं रात में पहन के गया था। हाँ तो डुगू के नए कपड़े और डुगू हो गया रेडी। फोटो खिंचा लेना प्लीज। डुगू हंस दो, नहीं जानते अच्छी है। हाँ एक पैर सही, दो पैर सही करो। ओह बॉटल टाने, बॉटल टाने, बॉटल लेने से, बॉटल लेने, बॉटल लेने, पटाना दे, पटाना दे, पटाना दे, आता रे, आता आता आता। चलो आजा दादी बुला रही, आजा आजा दादी बुला रही, आजा आजा। म्यूपी म्यूपी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये पिच करो, म्यूपी थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू ना, थैंक यू। दिखाओ केक एक बार फिर से, केक का है दो साल पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ वो मैंने फोटो देखी है। हाय, ये एडिट करके
डुगू का केक काटा है तो पता है क्या हुआ है, मेरा ना मन बहुत अजीब सा हो रहा था तो इसीलिए मेरे को राजा ने तो नहीं, हाँ मैंने क्या बोलते हैं अपने इन लॉज को इनवाइट कर दिया है डुगू की बर्थडे के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी यार, पता है क्योंकि पहला भी नहीं बना था, आप लोगों को पता है उन लोगों के साथ। और फिर ये ना ऐसा होता है कि हमेशा के लिए हो जाती हैं चीज़ें, छोटी छोटी बातें होती हैं इन लोगों के बीच में और फिर वो सब बिगड़ जाता है। तो इन शॉर्ट मैंने अपनी तरफ से मम्मी पापा को इनवाइट किया, फिर मम्मी आई हैं, डुगू जो है नीचे गया हुआ है जी, आपकी मालिश हो रही है। मैंने आज पता है नई बेडशीट बिछाई है मैंने, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये है नई बेडशीट एकदम ब्रांड न्यू, और ऐसा तकिया कवर देखिए येलो कलर का। तो अभी झाड़ू पोछा भी हो गया है, अद्वी को तैयार कर दिया है तो, और अद्वी को नए कपड़े पहना दिए हैं क्योंकि उसका बर्थडे है, उसके बाद टीका वीका होगा, मैं एक बार ना जाके नहा लेती हूँ। जिया की मालिश शुरू हो गई है, उसको भी नहाना है, उसको रेडी करना है, उसकी लोहड़ी की तैयारी भी कर रहा है। यह है ये कुर्ता, और ये कुर्ता मेरा पुराना कुर्ता आप लोगों ने देखा होगा, आई थी मैंने जन्माष्टमी में पहना था, इससे पहना था। तो जिया सो गई है और पता है उसे एक हैबिट पड़ गई है, मैंने उसे भी फीड कराया है, उसका पेट ही भरा रहता है ना, पर भी वो अंगूठा सक करती है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, उसको हैबिट ना पड़ जाए। तो वही मेरे को लग रहा है कि इसको ग्लव्स पहनाना शुरू करूँ, पर मेरे को लग रहा है कि अगर ये अपने वो पहनेगी तो ये उसको ना सक करे, है ना। तो पता नहीं यार, बताइए कुछ सजेशन दीजिएगा क्या कर सकते हैं, ये लगातार यार अंगूठा पीती रहती है, आई थिंक बच्चे अपने आप को काम करते हैं क्या करते हैं, तो ये सक करती है अंगूठा, एंड शी इज़ लाइक मैंने अभी फीड कराया इसे और उसके बाद उसे अंगूठा पीना है, और ये सो गई अच्छे से ही, सो गई अभी ये सो गई है, मालिश नहा मालिश करा के नहा के सो जाती है। मुझे ये बेडशीट बहुत अच्छी लग रही है, मैंने ना पीछे के तकिए नए मंगवाए हैं और ये जो तकिए इनके लिए मैंने कवर ही मंगवाए हैं जो अभी आए ही नहीं है, इसलिए मैंने अभी ऐसे बनाया, मतलब ये वाला वो बनाया, मैंने इनके लिए सैटन के मंगवाए हैं कवर, और एकदम नए तकिए हैं क्योंकि घर में कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको एक्स्ट्रा तकियों की ज़रूरत होती है, काफ़ी तकिए, तो इनको भी मैं एक बार ना वो करूँगी। और मैंने हाँ एक और चीज़ मंगवाई है, मैंने ना ये फोम आपको जो गंदा दिख रहा है इसके लिए ना एक क्लीनर है वो मंगवाया, तो हम लोग देखेंगे एक बार जब मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी जब इसे हम साफ़ करेंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा खाना बनाने क्योंकि भूख लग रही है, खाने में सोच रही हूँ कि पराठे और आलू फ्राई कर लेते और चाय, मन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा कुर्ता, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये मैंने लिया था अराउंड 1100 या समथिंग का, जन्माष्टमी में, पिछले जन्माष्टमी में ही लिया था ये, हाँ जब जिया की खबर हम लोग के पास आई थी तब का। तो इसमें ना ये बेल्ट भी है, पीछे लगाते हैं कुछ लोग ये बेल्ट, मुझे आगे लगाना पसंद है, और ये कुछ अटक गई है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और क्या हुआ, एकदम एंड टाइम पे प्लान बना हम लोगों का, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हैं भी अभी, क्योंकि राजा से तो अभी भी है, क्योंकि राजा और इनके बीच में हो जाती हैं चीज़ें। और यार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि समझ में मुझे आता है कि मैं ये बोलूँ आपको 50-50% है, गलती रहती है, लाइक बच्चा भी बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, और मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपका भी बेटा है या मैं तो कुछ नहीं कर रही ना, या मेरे को कोई आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, बल्कि मैंने तो अभी मम्मी पापा को ये किया कि यार उन्हें इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था, मैंने राजा से कहा कि मैं इनवाइट कर रही हूँ, राजा तब भी थे कि यार तुम अपना देख लो अगर तुम्हें लग रहा है तो, राजा ने ऐसे मना भी नहीं किया क्योंकि किस उससे करते हैं मम्मी पापा है। तो फिर मैंने राजा से कहा कि यार मैं कर रही हूँ इनवाइट अपनी तरफ से, अगर आप भी अपनी तरफ से, फिर मेरे को ये पता है कि मैं कर लूँगी फिर इन लोगों की ऑटोमेटिकली हो जाती है बात शुरू, क्योंकि बच्चे हैं या कहीं ना कहीं हो जाती है, आपको पता है फैमिली में ऐसा होता रहता है। मैं नहीं चाह रही थी अपनी तरफ से कि कुछ भी मन में फिर वो रह जाए कि यार डुगू का फिर से सेकंड बर्थडे था और ये सब हुआ, अगर हम लोग कुछ चीज़ अपनी घर में रहते हुए सॉल्व कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, लाइक करना चाहिए हम लोगों को। और मैं हमेशा से ना थोड़ा पीस मेंटेन करके रखने की कोशिश करती हूँ, ऑल्दो होता नहीं है पीस मेंटेन, इट्स लाइक कुछ ना कुछ होता रहता, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी नहीं होता तो यार एक साल पता चला हम लोगों की फिर से बात नहीं हो रही, फिर से वो सब हो जाए तो नहीं चलता। और क्या है ना, आपके जैसे माँ बाप हैं वैसे सबके माँ बाप की एक उम्र हो जाती है, और फिर लगता है कि यार अभी उनका टाइम है और आप पोता पोती हैं, तो यार मेरा अंदर से भी लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा, पता नहीं आजकल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने लगी, मैं मदर बन गई दो दो बच्चों की, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग में सब चीज़ें आती हैं,
राजा के दिमाग में अभी भी थोड़ा सा बचपना है, राजा में है यार, पता नहीं उनमें है, वो मेरे को कई बार मन से बोलती है थोड़े बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ, है जो भी है फैक्ट है। आपके पति थोड़े से रहते हैं बहुत ज़्यादा, मैं बहुत गुस्से वाली हुआ करती थी, पर मैं अब एकदम लाइक नॉर्मल हो गई। मेरे को गुस्सा आता था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मुँह बना कर, गुस्सा आता था और वो एकदम से ना, मेरा गुस्सा ऐसा है कि मुझे आएगा बहुत तेज और जाएगा बहुत जल्दी, इस तरह का। मैं जैसे किसी से बहुत ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकती, और बस यार ये सब चीज़ें थी। तो मेरे को लगा यार मम्मी को मैंने बोला कि आप लोगों को तैयार हो जाना, आप लोग इतने बजे, और हम लोगों ने छोटा सा ही कुछ किया है, और छोटा भी नहीं है, हो सकता आप लोगों को बहुत चला गया, भी राजा ही कर रहे हैं। तो राजा गए हुए हैं तैयारी करने, और अभी डुगू की जो पेंट है वो छोटी करानी थी, तो चार पाँच टेलर घूम लिए, वो एक घंटे से भटक रहे। मेरे को ना सिलाई नहीं आती, और ना हम लोग के घर में सिलाई मशीन है, वरना काट के हम लोग कर लेते, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब मेरे को बटन भी वो सुई वाला काम, मेरे को सारे काम आते हैं, मेरे को सुई धागे वाला काम नहीं आता है। तो वो वाली चीज़ जो है वो अभी कराने में लगे, बहुत परेशान हो रहे थे। उसके बाद फिर वो जाएंगे डेकोरेशन के काम के लिए, और हो सका तो मैं इस ब्लॉग में उसे इंक्लूड कर दूंगी। और जो भी है, उसका केक का ऑर्डर सुबह सुबह ही दिया गया है, क्योंकि हम लोग का कुछ भी नहीं था यार, सीरियसली कुछ भी ऐसा नहीं था, बस हम लोग शॉपिंग कर रहे थे कि आप कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, और फिर हम लोगों को लगा यार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो मेरे को लगा डुगू का बर्थडे नहीं मिस होना चाहिए, और बच्चों के हिसाब से बच्चों को ही इनवाइट करना चाहिए। तो वो भी जो है आप लोगों को इसी ब्लॉग में, यार ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये था कि मैंने इनके दादा दादी को बोल दिया, और मेरे पास बहुत कॉमेंट भी आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि आपने राजा नहीं तो आप ही वो हो जाओ। मैं अगर मेरे को बस ये कई बार लगता है कि यार मैंने अगर किया ही नहीं, मेरे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था, मैंने मेरी मम्मी से कोई बात ही नहीं हुई थी, मैं जिस दिन हो रहा था उस दिन मैं नहा रही थी जब इन लोगों के बीच में हो रहा था ये, तो वही था। नैनी दो दिन ही आई थी, तो मम्मी भी दो दिन ऊपर नहीं आई थी, तो वही थोड़ा सा राजा को लग रहा था कि यार मम्मी आ जाती तो बस इतना सपोर्ट वपोर्ट की बात थी और कुछ नहीं। और फिर मुझे लगता है कि उन्होंने सपोर्ट भी किया है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, मेरी डिलीवरी के बाद भी किया है, आप लोगों ने देखा है। हाँ एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप इतना उम्मीद कर लो कि आप लिए तीन टाइम पे खाना बना दें, ये कर दें वो कर दें, क्योंकि यार सबकी उम्र होती है और हम लोगों से ही नहीं हो पाता। तो फिर मैं तो तभी नहीं वो करती कि चलो उन्हें जितना किया उन्हें बहुत कर लिया मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं ये खुशखबरी होगी एक तरह से आप लोगों के लिए कि चलो मैंने बोल दिया। तो अभी डुगू जो है वो नीचे गया है, खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और मेरे को फिर नेल पेंट चेंज करनी है, मुझे बालों के साथ कुछ करना है, मुझे फेशियल करना था जो कि मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊँगी, क्योंकि यार होता है मैं अगर नॉर्मली होती हूँ बिना बच्चों के तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती हूँ आप, है ना, बट बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। तो अभी जब तक जिया सो रही है मैं थोड़ा आलू आलू काट के आलू फ्राई करके पराठे सेक करती हूँ, ताकि राजा आए तो पराठे चाय वगैरह खा ले। मेरे ख्याल से वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि जिस दिन ऐसा कुछ हो रहा होता है ना उस दिन आपका दिमाग प्रोसेस लाइक काम बहुत ज़्यादा होता है, और जो पति लोग होते हैं ना आपके उनको ज़्यादा काम हो जाता है कि ये भी करना है वो भी करना है और बहुत सोच। तो चलिए यार आजू आजू नहीं दिखाओ, चलो आ जाओ, नहीं पापा को पास चलेंगे, पापा आ गए, पापा आज के पापा आ गए। हाय मेरा बच्चा, ओ नीनी आ गई बेबी को, हेलो कर दो जिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डुगू खिलौने से खेलेगा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, खिलौने आए डुगू तो खिलौने से खेल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डुगू की पेंट आ गई है, डुगू कैसा लग रहा है, डुगू कैसा लग रहा है, डुगू पट चलो आप पहन के देखेंगे, आप तो डुगू को पेंट ट्राई करा रही हूँ। तो आदि को मैं सुला दिया है, और पता है मैं कुछ बना नहीं पाई, अभी जाके उसे सुलाया है मैंने, कि देर सोता है पता नहीं, पर वो रात के लिए फ्रेश रहेगा। और मैं यहाँ पे जिया का मिल्क वो कर रही हूँ, तो
तो जिया जो है वो दो बार फॉर्मूला लेती है, उसे मैंने जब मसाज करी थी तो फीड करा दिया था अपना मदर फीड, और उसके बाद फिर अब मेरे को लगा उससे मैं फीड करा देती हूँ ताकि मैं इसके बाद कुछ खाने पीने को बनाऊँ तो फ्री रहूँगी। आज घर में मैं, डुक्कू और जिया अभी अकेले हैं, तो बहुत ही ईजिली यार मैनेज हो रहा है, टच वुड अभी तक तो मतलब धीरे धीरे हो जाता है, पता हम लोग को लगता है कि यार ऐसा होगा वैसा होगा पर नहीं, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो सही हो जाता है। जिया अभी आराम से लेटी है तो उसको मैं दूध पिला देती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँ, थोड़ा बहुत भूख लग रही है यार। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी तक राजा नहीं आया, राजा सुबह के निकले हुए हैं, बीच में आए थे वो इसकी पेंट ठीक करा के जो मैंने ट्राई करी थी। डुगू के लिए मैंने खाना कर दिया है, उसके लिए मैंने आज उसका फेवरेट आलू ही बनाया है क्योंकि आप लोग जानते हैं वो आलू भी है और मैं उसे बहुत टाइम से आलू दिया ही नहीं है तो मेरे को लगा आज उसको खिला देंगे, तो वो भी सोया ही हुआ है। कैमरा वहाँ चालू है और मैं और जिया यहाँ आ गए हैं, जिया को मैंने अभी फीड करा दिया है एक बार फिर से और मैं थोड़ा यहाँ बैठूँगी फिर मैं जाऊँगी तैयार होने। तो ना मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और बताइएगा आप लोग और ज़रूर वेट करिएगा डुगू के बर्थडे सेलिब्रेशन का, और मैं आपसे मिलती हूँ विद डुगू के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं इस व्लॉग में क्या गया क्या नहीं गया बट जो भी था रॉ एकदम मैंने आप लोग के सामने पेश किया, तो चलिए आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच, इतनी सारी विशेज आ रही है। तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड और जा रही हूँ मैं तैयार होने क्योंकि मुझे इनको तैयार करना है, आपको पता है बहुत स्ट्रेस रहता है अगर बच्चों को तैयार होना होता है फिर आपको तैयार होना होता है, पता नहीं क्या करने वाली हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ इन लोगों के आउटफिट, अपना आउटफिट कि मैंने क्या लिया है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ एंड डू वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय।